हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया चलता रहे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कोई ग्लिचेस का वीआईपी पैक नहीं देने वाला, ठीक है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये एक छोटी सी टिप्स है, इसमें मतलब छोटी सी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आप मान सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा जिसे आप अप्लाई करके अपनी गिल्ड को जो है हाई लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैटर नहीं करता कि आपकी गिल्ड की ग्लोरी कितनी है, ठीक है, और आपका जो गिल्ड का लेवल है वो कितना है। अगर आपके गिल्ड का लेवल 3 है, लेवल 2 है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर लेवल 4 है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाऊँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये ट्रिक वर्क कैसे करती है। तो गाइस, यहाँ पे जो है सिंपली पहले दिखा देता हूँ मैं आपको, हमारी जो पहली गिल्ड है टीम आरबी के नाम से, आप सबको पता है। तो हमारी यहाँ पे जो टीम आरबी वाली गिल्ड है, सबसे पहली गिल्ड, उस पर जो है डॉग टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 5251, मतलब 5251 डॉग टैक्स हमारे हो चुके हैं। आज फ्राइडे है और ऊपर से मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, देख सकते हो 4:22 हो रहे हैं, सुबह के 4:22 हो रहे हैं अभी। तो सुबह के 4:22 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख सकते हो अभी जस्ट रात के 12 से लेकर अभी तक 4 हुए, और 4 में यहाँ पे 5251 डॉग टैक्स कम्प्लीट हो चुके हैं, जिसमें मेरे डॉग टैक्स जो है 1730 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी जस्ट हमने 4 से लेके 5 बंदे थे हम लोग, तो हमारे जितने भी गिल्ड के मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 4-5 मेंबर्स ने ही यहाँ पे जो ये काम किया है, ठीक है, ये जो ट्रिक है इसे अप्लाई किया है, और इतना सा जो है करने के बाद हमारे 5000 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं डॉग टैक्स, ठीक है। और हमारे यहाँ पे 33 मेंबर्स है, अभी पूरा दिन पड़ा है। अगर हमारे गिल्ड के 30 मेंबर्स भी ये ट्रिक अप्लाई करके ये काम करते हैं तो गाइज, मतलब मैं बता रहा हूँ, हमारी गिल्ड जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच सकती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लीडर बोर्ड में। तो गाइस, देख सकते हो अभी जो है टीम आरबी 93 नंबर पे आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉप 100 में से अभी 93 पे जो है हमारा नाम आ रहा है। अभी पूरा दिन बाकी है और अभी जितने भी हमारे गिल्ड के मेंबर्स हैं वो ये ट्रिक जो है ये अप्लाई करके अपने गिल्ड के जो है डॉग टैक्स और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपकी भी गिल्ड है, आप अपने गिल्ड के लीडर हो या फिर आप अपने फ्रेंड के गिल्ड में हो या जिस भी आप गिल्ड में हो अभी, अगर आप चाहते हो अपने गिल्ड को ऐसे ऊपर लेके आना कि जहाँ पे लिस्ट में आपका भी नाम आए, तो अभी जस्ट फ्राइडे स्टार्ट हुआ है और मॉर्निंग के अभी 4:30 बज रहे हैं, तो हमारा 93 पे जो है नाम आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको एक नाम और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक नाम और है यहाँ पे, तो 71 नंबर पे यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो आप देख सकते हो, 71 पे ईगल आर्मी, ये भी अपने भाई की गिल्ड है, तो ये 71 नंबर पे आ रही है जहाँ पे 6281 डॉग टैक्स हो चुके हैं। तो गाइज, इस हिसाब से आप अपनी गिल्ड को ऊपर लेके आ सकते हो, आपका गिल्ड का नाम ऊपर आ सकता है लीडर बोर्ड पे, यहाँ पे जो लीडर बोर्ड रहता है फ्राइडे का, तो यहाँ पे आपका जो है नाम ऊपर आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, अब जो एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इस ट्रिक को देख लो और इसको कैसे अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे देखकर समझ जाओगे, और इस ट्रिक को अप्लाई करके जो है आपको आपकी गिल्ड के डॉग टैग सबसे जल्दी कंप्लीट करने हैं, ठीक है, और अपनी गिल्ड का लेवल ऊपर लेके जाना है और अपनी गिल्ड का नाम ऊपर लेके आना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है इसमें। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो है क्लैश स्क्वाड लगाना है, क्लासिक वाला, ठीक है, बरमूडा वाला, और वहाँ पे आपको अपने टीममेट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। आप अपने गिल्ड मेंबर्स को ऐड कर लो, जो भी आपके जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं, वैसे आप 4 मेंबर्स लो अपने तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर आपको CS में जाना है, ठीक है, मतलब कि क्लासिक में जाना है, क्लासिक जो क्लैश स्क्वाड है उसमें जाना है और आपको बैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे अभी जो है 2974 डॉग टैक्स हुए थे, और अभी मैं आपको जस्ट कुछ ही सेकंड्स में, देखो, मैं आपको डॉग टैक्स यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो गाइज, बहुत ही सिंपल है, आपको क्लैश स्क्वाड लगाना है, क्लासिक वाला, रैंक वाला मत लगाना, रैंक लगाओगे तो बैन हो जाओगे, तो क्लासिक वाला लगाना है, सिंपल वाला, जिसमें आप कुछ नहीं करना, जस्ट आपको क्लैश स्क्वाड लगाना है क्लासिक,
बरमूडा, कालाहारी, कोई सा भी लगा लो, अपने गिल्ड मेंबर्स को ऐड करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आरबी वंश और रॉयल संजू को लिया हुआ, ये हमारी गिल्ड के है, ठीक है। और जो ईगल पंडित है उनका अलग गिल्ड है जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, ठीक है। तो ईगल आर्मी जो है गिल्ड, वो ईगल पंडित भाई की है, वो भी अपनी गिल्ड है यार। और अपने मतलब आप बंदे ऐड कर लो, अगर आपके टीममेट्स दूसरे टीममेट्स के साथ खेल रहे हैं, अगर आपके गिल्ड मेंबर है वो दूसरे टीममेट्स के साथ खेल रहे हैं, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोलो में भी कंप्लीट कर सकते हो इसे, ठीक है। अगर आप चाहो क्लैश स्क्वाड में जाके सोलो लगा के भी आप कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, क्लैश स्क्वाड लगाना है क्लासिक वाला, ठीक है। आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको सिंपली जो है मैच स्टार्ट कर देना है। अब आप जैसे ही मैच स्टार्ट करोगे ना, मैच स्टार्ट करने के बाद आपकी जैसे ही मैच में एंट्री होती है, एंट्री होने के साथ साथ आपको बैक कर देना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही फास्ट करनी है। एक मिनट में आप 5 से 6 मैच खेल सकते हो अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो आप एक मिनट में 5 से 6 मैच खेल सकते हो। और जितना फास्ट आप करोगे, जितने ज़्यादा बंदे आपके साथ रहेंगे आपके गिल्ड के, उतनी ही जल्दी आपके डॉग टैक्स जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने क्लैश स्क्वाड लगाया, ठीक है, बंदे ऐड किए अपने गिल्ड के, मेंबर्स भी ले लिए, और एक अपना फ्रेंड है मैंने उन्हें भी ऐड किया। तो देख सकते हो 3000 कंप्लीट कर दिया है और मेरे खुद के 900 डॉग टैक्स हो चुके हैं। तो कितनी जल्दी यहाँ पे आपने देखा 3000 डॉग टैक्स कंप्लीट कर दिया है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटे में करना है, 1 घंटा बता रहा हूँ, मिनिमम 1 घंटा अगर आप ये काम करते हो, आपके डॉग टैक्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, इतनी तेज़ी से होंगे बता नहीं सकता। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जितने भी गिल्ड मेंबर है वो एक्टिव रहने चाहिए। अगर आपके गिल्ड मेंबर एक्टिव है, वो 1 घंटा या 2 घंटे अगर लगातार ऐसी ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे ना, सिर्फ कुछ नहीं करना, क्लैश स्क्वाड में जाना है, मैच स्टार्ट करना है और मैच को बैक कर देना है। ध्यान रखना, मैच के अंदर एंट्री होती है वैसे ही बैक कर देना, ठीक है। जितनी फास्ट कर सकते हो, जितना फास्ट आपका इंटरनेट है, जितना फास्ट आपका मोबाइल है, उतना फास्ट आप कर सकते हो। ये ट्रिक बहुत अच्छे से वर्क करती है। एक मैच आप जैसे ही बैक करोगे आपको 9 डॉग टैक्स मिलते हैं, ठीक है, एक मैच में से। तो सिंगल मैच अगर आप खेलते हो आपको 9 मिलेंगे, अगर आपके 4 मेंबर है तो चारों को 9 9 9 मिलेंगे। तो 9, 18 और 36 मतलब एक मैच में आपको 36 डॉग टैक्स मिलते हैं। और एक मैच आपको बैक करने में हार्डली 20 सेकंड्स लगेंगे, 20 to 30 सेकंड्स। तो एक मिनट में आपको 60 सेकंड्स में जो है, अगर आपका नेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलता है तो आप 4 मैच आराम से खेल सकते हो, 4 से 5 मैच आराम से खेल सकते हो। जस्ट आपको बैक करना है तो वो 20 सेकंड का काम है, ठीक है। तो गाइज ये है ट्रिक जिससे आप अपने गिल्ड के डॉग टैक्स कंप्लीट कर सकते हो और हर फ्राइडे अपनी गिल्ड को आप ऊपर लेके आ सकते हो। और देखो लीडर बोर्ड में जिसकी गिल्ड ऊपर आती है ना, और जिसकी गिल्ड ऊपर दिखती है, लोग उसे आराम से जो है जानने लगते हैं कि भाई ये बंदे की गिल्ड ऊपर आती है, ये बंदे बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके गिल्ड मेंबर्स के ऊपर कि आपके गिल्ड मेंबर कितना एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जितना एक्टिव है, जितना सही खेलते हैं वो लोग आपके साथ, जितना वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको हेल्प की ज़रूरत है, अपने गिल्ड मेंबर्स की ज़रूरत है। तो अपने गिल्ड मेंबर्स को बोलो कि गाइज जिसके भी ज़्यादा रहेंगे डॉग टैक्स, जैसे 2000 3000, जो जितने ज़्यादा करेगा उसको जो है कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए गिफ्ट तो बनता है। गाइज जैसा कि आपने देखा, ये ट्रिक जो है अप्लाई करने के बाद आप कुछ ही घंटों में अपने डॉग टैक्स को बहुत ही इजीली ऊपर लेके जा सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर आपके गिल्ड में 30 मेंबर्स भी है, 20 मेंबर्स भी है जो एक्टिव है, इसके लिए आपको एक्टिव मेंबर्स चाहिए। अगर आपके गिल्ड में एक्टिव मेंबर्स है और वो ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत कम समय में, अगर आप मतलब 3 घंटे या 6 घंटे आपके 20 बंदे कॉन्टीन्यूसली अगर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो आपकी गिल्ड का लेवल हाई हो सकता है और आप टॉप 70 में, टॉप 80 में या टॉप 50 में भी आ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हो, कितना मेहनत करते हो अपनी गिल्ड को ऊपर लेके आने के लिए। अगर गिल्ड का नाम ऊपर आएगा तो नॉर्मल सी बात है यार, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आई नो काफ़ी सारे दोस्तों को पता भी है, जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है, अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिलता है तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए सबको गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। We make the streams louder.